मैंने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था कुछ दिनों पहले, जब मुझे लगा कि आज मैं चीट डे कर सकता हूँ, बट ये सब की बातें नहीं करते बिकॉज वापस मुझे भूख लग जाएगा और मैं घर जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा। कुछ अच्छा ही नहीं। टेक्स्ट थोड़ा पर्सनल। हाय, दिस इज़ प्रतीक चौधरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉली एंड टेलीबर्स एंड वी आर डूइंग अ सेगमेंट कॉल व्हाट्स इन माई फोन। सबसे पहले उठ के आप मोबाइल में क्या चेक करते हैं? सबसे पहले उठ के मैं मोबाइल पे यही चेक करता हूँ कि किस किस के मिस कॉल्स हैं, किस किस के मैसेजेस हैं, और टाइम भी देखता हूँ आई थिंक। सो सबसे पहले कि मेरे कॉल टाइम मतलब जो जो भी मुझे मिलता है उसके मैं आसपास हूँ, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं और सो जाता हूँ। आखिरी तस्वीर, मतलब आपने आखिरी तस्वीर कौन सी ली थी, फोटोज़ कौन सी ली थी? फोटोज़ आई थिंक जो मैंने वीडियोज़ थोड़े समय पहले लिया था जो मुझे टाइम मिला था, बट हाँ ये एक फ़ोटो लिया था, जो फोटो नहीं लिया था, बेसिकली स्क्रीनशॉट लिया था जो मैंने अभी अपने स्टोरी पे भी डाला है इंस्टाग्राम पे। ये आई थिंक सो किसी फैन ने पोस्ट किया था, तो मैंने बस स्क्रीनशॉट लिया था। और आखिरी वीडियो जो आपने आखिरी वीडियो ली, आखिरी वीडियो यही मेरे आई थिंक सो शो के, हाँ शो का आई थिंक सो मैं काफ़ी प्रमोशन कर रहा हूँ। लास्ट टेक्स्ट मैसेज जो आपको आया हो? टेक्स्ट थोड़ा पर्सनल। आपके स्पीड डायल में नंबर कौन सा है जो लास्ट में आपने डायल किया है? आई थिंक सो मॉम, मॉम को मैंने कॉल किया था बिकॉज कुछ बात करनी थी, सो या मॉम। आपने आखिरी नोट कौन सा लिखा था मोबाइल पे? नोट, हाँ आप लिखते हैं? मैं नोट नहीं लिखता मोबाइल पे। आपने आखिरी बार क्या गूगल किया था, क्या खोजा था आपने, क्या सर्च किया था? आखिरी बार देखना पड़ेगा। कुछ अच्छा ही आई थिंक सो मेरा नाम है, मैं अपने आप को बस आप पूरा तो मत के बट हाँ हाँ ऊपर कहीं, हाँ ठीक है चलेगा। सो मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ अपने आप से, सो मैं अपने आप को गूगल पे हर दो दिन के बाद देखता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा आप कौन सा इमोजी यूज करते हैं? इमोजी हार्ट, बिकॉज प्यार है हार्ट, मतलब इट्स लव, सो या हार्ट। आपके स्क्रीन पे इस समय मतलब वॉलपेपर कौन सा है? वॉलपेपर ये स्क्रीन फोटो आई थिंक सो शिव जी का। मेरे वॉलपेपर हमेशा शिव जी का ही होता है, शिव भगवान का, बिकॉज मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, सो हमेशा मैं इन्हीं के पिक्चर्स चेंज करता रहता हूँ। आपने अंतिम बार क्या ऑर्डर किया था खाने में, स्विगी जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया था? मैंने लास्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था कुछ दिनों पहले, जब मुझे लगा कि आज मैं चीट डे कर सकता हूँ, बट ये सब की बातें नहीं करते बिकॉज वापस मुझे भूख लग जाएगा और मैं घर जाके पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँगा। आप कौन सा फ़ोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन? आईफोन। ओ गॉड, हंसना मत। सो बेसिकली मेरा टाइम स्टार्ट होता है 5 बजे से, 5, 5:30, 5:45, 6, 6:15, 6:30, 6:40, हाँ सो ये चलता रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरे जब जब जो टाइम के हिसाब से मुझे उठना होता है तो वो, बट मैं अलार्म यूज़ ही नहीं करता हूँ। मुझे जब पता है कि मुझे नेक्स्ट डे कभी भी उठना है सो मैं उठ जाता हूँ, मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिरी बार आपने कौन सा ऐप डाउनलोड किया था? ऐप याद नहीं मुझे कौन सा ऐप डाउनलोड किया था। चेक कर सकते हैं सर। काफ़ी इसमें काफ़ी ऐप्स हैं तो मुझे पता याद नहीं आएगा मैंने कौन सा, लेकिन लास्ट आई थिंक सो कोई ये ऑनलाइन ऐप है जहाँ से कुछ अगर मुझे सामान मंगाना होगा सो। क्या आप फोन के आदी हैं? मतलब यार ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ अब मैं हो गया हूँ बिकॉज एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सोशल मीडिया हर जगह एक्टिव रहूँ अपने फैंस के लिए, सो उनके लिए मुझे रहना पड़ता है और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो हम उनसे कनेक्ट हो पाते, वो हमसे कनेक्ट हो पाते, बट सच बताऊँ तो मुझे मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब फैंस का प्यार देखना और फैंस को प्यार देना, उसके अलावा मुझे मोबाइल ज़्यादा पसंद नहीं है। जाते जाते सेगमेंट करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और आई होप फैंस जितना मुझे जानते हैं थोड़ा उनको और मेरे बारे में जानने का मौका मिल गया।